this is my first open mic event actually, I never did before. So इससे पहले मेरे को ऑडिशन हुआ था थोड़े दिन पहले डे टू ड्रिंक के लिए, और 20-20 साल के लोंडे आए थे और बहुत सारे 20 के मैं 18-35 का, मुझे लगा शायद यार मैं कर पाऊंगा नहीं। उनके पास इतने अच्छे टैलेंट थे, कोई पुशअप कर रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई सिंगिंग कर रहा था, और मैं सबसे परे हूँ, मुझे तो आता ही नहीं कुछ चीज़ से, मुझे जो आता था मैंने वो करा, और जब मैंने वो करा तो मैं सिलेक्ट हो गया। सो आज मैं कुछ डिफरेंट लेकर आया हूँ, इस मंच पे मेरा ये दूसरा परफॉर्मेंस है। मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, ये एक्चुअली स्टोरी है द लाइफ ऑफ चिकन। मतलब जैसे हम इंसानों की एक स्टोरी होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, तो इनकी भी एक स्टोरी होती है, मतलब इनकी भी एक लाइफ होती है जो हम कभी महसूस नहीं कर पाते, जो खुद वो अपने अदाई करते हैं अपने ओपोनेंट सेक्स के साथ। और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको उसका फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहूँगा। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो क्लैप कर देना, नहीं अच्छा लगे तो तभी क्लैप कर देना, क्योंकि मैंने ये कल ही दिल से लिखी है। प्लीज थैंक यू सो मच। द लाइफ ऑफ चिकन, इस चिकन एक्चुअली लाइफ, इनकी जो लाइफ है, इनका जो लाइफ साइकिल है, मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है, मतलब साइकिल्स में डिवाइड करा है, तो सबको मैं बंदा बन डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट आता है हेल लाइफ। द लाइफ ऑफ चिकन हैज बीन रोस्टेड इन हेल, देयर कर्मास मेक देम टू येल, व्हेन चिकन कम आउट ऑफ हिज मदर्स एग, पीपल टेक आउट देम टू सेल, मदर इज फाइंडिंग हिज चिकन, व्हाट द हेल, शी नोज शी कैन प्रोड्यूस मोर, दिस इज अ चिकन्स लाइफ, comes to happy life. When chicks become rooster, they don't know it voice works like booster. I tried to woke up everyone very early. No one woke up. They're drunk and become deadly. I think I can fly very high, but after few moments later, I find myself fry. This is the chicken's life. Now comes about sex life. When rooster meets to hen first time, he will try to impress the hen with his singing rhyme. They fall in love at first sight. They thought about the venue of their first night. Other cocks become very angry and they do fight. This is the chicken's life. It comes to family life. Inki bhi family life hoti hai. I am a mother of 4 baby chicken. People take my baby one by one to be eaten. They throw my baby bones outside. Greedy dog took the bones and swallow inside. This is a chicken's life. Now comes to the ending life, very sad moment of chicken. I have no permanent home. I feel so alone. I make the people healthier, but no one is with me familiar. They chop my head. Few moments later, I become dead. Leaning of blood on the floor, I have been served at every door. This is the chicken life. This is the chicken life by Varun. Thank you. Thank you so much.